Assalamu alaikum class, today we will discuss the Gauss's law due to volume distribution of charge और या हम इसको कहते हैं कि differential form of the Gauss's law. तो हम ये discuss करेंगे कि हमारे पास according to Gauss's law the electric flux जो across the surface, वही हम statement दोहरा रहे हैं कि हमारे पास Gauss's law क्या है, electric flux through a closed surface is equal to the 1 over epsilon time total charge enclosed by the surface. तो हम यही है कि through any closed surface S having the volume V is given by this. अगर हम वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करें तो हमारे पास ये रो इज इक्वल टू, ये देखिए इनसाइड पे लिखा हुआ है, रो इज इक्वल टू डी क्यू ओवर वी. हमने डी क्यू फाइंड करना हो तो डी क्यू इज इक्वल टू रो डी वी. अब वही जो आप टोटल चार्ज है ना उसकी जगह पर आप ये लिख सकते हैं इन इंटीग्रेशन में रो डी वी. बट इन केस ऑफ द वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ चार्ज द टोटल चार्ज इंक्लोज बाय द सरफेस एस हैविंग द वॉल्यूम वी इज इंटेग्रल वी रो डी वी, देयरफॉर द फाई इज इक्वल टू 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट वी रो डी वी. तो फाई इज इक्वल टू रो ओवर एप्सिलॉन नॉट डी वी हो जाएगा हमारे पास. और हम जानते हैं कि हमारे पास फ्लक्स जो है फॉर होल सरफेस वी इंटीग्रल ई डॉट डी ए. अगर हम गॉसेस डाइवर्जेंस थ्योरम देखें तो गॉसेस डाइवर्जेंस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या था हमारे पास, हमारे पास था सरफेस इंटीग्रल ए डॉट डी ए, वो हमारे पास कन्वर्ट हो जाता है वॉल्यूम इंटीग्रल डेल डॉट ए डी वी में हो जाता है. तो इसी तरह जो इक्वेशन टू है हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, ये हमारे पास वॉल्यूम इंटीग्रल ई डॉट डी ए ना सरफेस इंटीग्रल, सॉरी यहाँ एक मिस्टेक है, ये जो इक्वेशन टू है ना यहाँ वी नहीं है यहाँ एस है. तो यही टर्म एज इट इज उतार है तो आपके पास ये हो जाएगा वॉल्यूम इंटीग्रल डेल डॉट ई डी वी. तो फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा डेल डॉट ई डी वी. अब देखें ये भी फाई है आपके पास और ये इक्वेशन वन भी फाई है आपके पास, दोनों को कंपेयर कर लें आप तो देखें आपके पास डी वी भी कंपेयर आउट हो रहा है, इंटेग्रल्स भी कंपेयर आउट हो रहा है, तो आपके पास क्या रिमेनिंग रह गया डेल डॉट ई इज इक्वल टू रो ओवर एप्सिलॉन नॉट. यहाँ हम इसको कहते हैं कि डाइवर्जेंस ऑफ ई इज इक्वल टू रो ओवर एप्सिलॉन नॉट. हम ये जानते हैं कि हमारे पास अब देखें जो इक्वेशन फाइव है ना इसको हम ये भी कहते हैं कि ये इंटेग्रल फॉर्म ऑफ द गॉसेस लॉ है, और जो इक्वेशन सिक्स है इसको हम कहते हैं कि ये डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ द गॉसेस लॉ है. अगर हम इसका गॉसेस लॉ का कंपेरिजन करते हैं इसका कोलम्स लॉ से कि इसकी डेरिवेशन हम कोलम्स लॉ से फाइंड करते हैं क्या है, गॉसेस लॉ एंड द कोलम्स लॉ द डेरिवेशन ऑफ द कोलम्स लॉ फ्रॉम द गॉसेस लॉ. अब ये वही वाली फिगर है जो आपने पीछे पढ़ी थी वो जिसमें आपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट किया था स्फीयर की सरफेस पे जब एक चार्ज इसके सेंटर में मौजूद था. ये वही चीज है कि चार्ज जो है उसके सेंटर में है, हमने एक स्मॉल सरफेस एरिया ले लिया जहां पर इलेक्ट्रिक डेंसिटी ई है और एरिया डी है और उस स्फीयर का रेडियस आर है. कंसिडर आर कंसेंट्रिक स्फेरिकल सरफेस ऑफ द रेडियस आर विच हैज अ चार्ज क्यू एट इट्स सेंटर. वही चार्ज क्यू प्लेस है उसके सेंटर पे. The surface is imagined to be divided into large number of small parts. हमने imagine कर दिया कि हमने उस surface को divide कर दिया large number of small parts में. Each of the area dA, जिसका area हर एक का area जो है वो dA है. The magnitude of the electric intensity on each of the part, जो हमारे पास magnitude of electric intensity होगी वो हर part का same ही होगी, जो कोई भी एक पार्ट ले लें उस पार्ट में आपके पास इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी सेम होगी. क्यों सेम होगी, बिकॉज दीज पार्ट्स आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर. इस सेंटर से स्फीयर के वो हर जगह हर जो पार्ट है वो एक इक्वल डिस्टेंस पे मौजूद है, इसलिए जो उन पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है वो सेम रहेगी. वी नो दैट इलेक्ट्रिक लाइन इज अलॉन्ग द रेडियस एंड ऑल्सो परपेंडिकुलर टू द सर्फेस. कि हमारे पास जो इलेक्ट्रिक लाइन्स ई हैं वो भी सरफेस स्फीयर पे परपेंडिकुलर है, हम डीए की बात करें वो भी परपेंडिकुलर है, तो ये दोनों आपस में क्या हुआ है हमारे पास पैरेलल हो गए. बाय डेफिनेशन द एरिया वेक्टर डीए एट एनी पॉइंट इज परपेंडिकुलर टू सरफेस. वही हमने पीछे बात की कि हमारे पास जो इलेक्ट्रिक लाइन्स है वो परपेंडिकुलर है सर्फेस के, अब हम बात कर रहे हैं कि हमारे पास वेक्टर एरिया डी है जो वो परपेंडिकुलर है सर्फेस के. तो इसका मतलब ये है कि जब ये दोनों सर्फेस के परपेंडिकुलर है तो आपस में एक दूसरे के पैरेलल हुए तो एंगल क्या हो गया हमारे पास जीरो हो गया. सो द इंटेग्रल फॉर्म ऑफ द गॉसेस लॉ क्या था हमारे पास, ये आपने पीछे पढ़ा था, ये देखेंगे क्लोज इंटेग्रल ई डॉट डी ए इज इक्वल टू क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट. तो हमने जो है ना एप्सिलॉन नॉट इस तरफ लिया है तो क्यू इज इक्वल टू हमारे पास हो गया एप्सिलॉन नॉट क्लोज इंटेग्रल ई डॉट डी ए. ई डॉट प्रोडक्ट को खत्म कर देते हैं हमारे पास ई डी ए कॉस थीटा हो जाएगा और कॉस थीटा हमारे पास जीरो है, कॉस जीरो हम जानते हैं कि वन के इक्वल है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट क्लोज इंटेग्रल ई डी ए इज इक्वल टू क्यू. जो कि नेक्स्ट क्या होगा हमारे पास
हम ई को बाहर ले आए, ये हमारे पास क्लोज इंटेग्रल है, तो एरिया ऑफ द स्फेरिकल हमने ये पीछे भी अभी अभी भी डिस्कस किया है प्रीवियस लेक्चर में कि हमारे पास एरिया ऑफ द स्फेरिकल के सरफेस क्या होता है, 4πr² हम उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं क्लोज इंटेग्रल की जगह पे। तो आप ये देखें कितना हमारे पास कैसे बन गया, वैसे ही बन गया जो हमारे पास इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो हमने पीछे हम लिखते हुए आ रहे हैं किसी भी पॉइंट चार्ज की वजह से। तो E इज इक्वल टू 1/4πε0 मल्टीप्लाई q/r². द गॉज़ लॉ इज इक्विवेलेंट टू द कूलम्स लॉ, ये हमने दोनों को कंपेयर करके ना लिखा। तो क्लासेस आई थिंक सो कि आप लोगों को समझ आ रहा होगा जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो काइंडली प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।